ऐसे नहीं करते हैं। अरे वो छोड़, ऐसे मनाते हैं वो खच खच करके। तू वो है नारियल पानी वाला? फेमस वाली नहीं। फेमस वाली है, इसके पैरों से पता चलता है। देखो इसके पैर पे वाइट है ना, सर पे। जा हार लगा ले उसको, ठीक हो जाएगा जल्दी। जा हाथ लगा ले उसको, पीठ पे हार लगा, पीठ पे लगा लिया। चल आ जा, चल चल, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देना। हाँ जाओ। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, आज है बुधवार और खुशी गई है अपना सेकेंड लास्ट पेपर देने के लिए, उसका हिंदी का एग्ज़ाम है। लेकिन कान्हा स्कूल नहीं गया, उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है। सो कल रात उसकी तबीयत ख़राब थी तो उसकी हिम्मत नहीं हुई जाने की। वो तैयार तो हो गया था जाने के लिए, लेकिन फिर अजीब सा कर रहा था। मैंने कहा छोड़ रहने दे, मत जा। फिर वो घर पे ही है, मतलब वो खुशी को छोड़ने के लिए चला गया, ज़बरदस्ती कि मैं खुशी को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, और वैसे उसकी छुट्टी है। तो गाइस चलिए नीचे चलते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं। टाइम हो गया है 11 और खुशी अभी आई नहीं है। खुशी आएगी 12:45 तक, 11:45 तक, और कान्हा रहा है सो। अभी तक मैंने उसको उठाया था, वो उठा नहीं, तो चलिए मैं उसको उठाती हूँ। आई कान्हा, ठीक है तबीयत? तबीयत ठीक है, उठ जाओ, बहुत सो गया, इतना नहीं सोते। उठ रहे आज? चल थोड़ी देर बाहर बैठ जा, टीवी देख ले, बैठ जा ना, बैठ के देख ले, ठीक है? पानी लाऊं? गाइस मैं जा रही हूँ छत में कपड़े डालने के लिए थोड़े, और कान्हा नीचे बैठा हुआ है, अब उठ गया वो सो के, तो मैं जल्दी से कपड़े डाल देती हूँ रूम में। आ जा। और कैसे गया पेपर? अभी उठाया वो सो के, पागल, तबीयत ठीक नहीं है उसकी। बेल बजा दिया करना। कैसे लग रही है? हाँ बनाती हूँ खाना। कैसा गया? कैसा गया? बढ़िया। हाँ, सब आया था पढ़ा लिखा? हाँ। चल ला जा बैग दे, ऐसे मत कर यार, चल चेंज कर ला जा। ठंडी होगी तभी लियो। हाँ ठीक है। हाँ मम्मी पापा से नया पैंट मंगा लिया। पूछती हूँ उनको, बोलती हूँ चप्पल तो पहना दे खुशी को। खुशी चप्पल ही पहननी? अरे क्या लाया दिखा, फ्रूटी फ्रूटी, चल पी ले। कोकोनट वाटर भी था उनके पास। कितने का था पूछा तूने? कितने का था? बॉटल में था, उसमें छोटी कैन में था, वो ऐसे लिखा हुआ था एक डब्बे पे कोकोनट, उसमें था पानी, था वाइट कलर का, बॉटल में था। ले ले एक एक ले लो। सो हे गाइस, टाइम हो गया है 6 और मैं आई हूँ छत पे। आज बहुत गर्मी है भाई, बारिश तो चली गई है, हल्का गर्म लग रहा है। वैसे भी मैं काम करके आ रही हूँ तो थोड़ी गर्मी सी लग रही है। सो गाइस, कल रात कान्हा की तबीयत थी ख़राब, बट अब पहले से ठीक है, वो खेलने गया हुआ है। और कल रात तो थोड़ा डर सा लग गया था, पागल सा, थोड़े से मैं रो जाता है वो ना, तो उसको उल्टियाँ हो गई थी 2-3, तो थोड़ा घबरा सा जाता है वो। वैसे तो आपको लगता होगा कि बहुत स्ट्रांग होगा, बट है नहीं। हाँ
थोड़ी बहुत हवा चल रही है ऊपर अच्छी। और हमारे घर के पीछे ना खेत है ना, वहाँ पे खेत पे घास काटने आए हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, जैसे हम लोग गाँव में जाते हैं ना सर पे घास रख के, यहाँ पे भी जाते हैं। देखो यहाँ पे से कट करके लेके गए यहाँ पे से, और अभी काफ़ी दूर चले गए तो मैं जूम करके दिखा रही हूँ। ये देखो दो लोग आए थे और उधर से लौकी भी ले ली उन्होंने, और अब ट्रैक्टर उधर खड़ा होगा ना तो उसमें ट्रॉली या ट्रैक्टर जो भी होगा उसमें रख के लेके जाएंगे। ये देखो काफ़ी दूर है वो, मैं जूम करके दिखा रही थी, वो वहाँ पहुँच गए, यहाँ पे से काटे उन्होंने ना। आ गया खेल के? हाँ। कैसा फील हो रहा है? ठीक है। क्या खेला? क्रिकेट। साइकिल वाइकिल लिया? ठीक है। और फ्रेंड्स लोग आए थे सारे? हाँ। शिवम आया था? हाँ। यश ना, यश कह रहे हो, रचित। हाँ। चल गाइस, खुशी बोल रही है एक चूहे जैसी छिपकली आई हुई है। कहाँ है? चूहे जैसी छिपकली? अबे बाहर है वो तो। तू बाहर है? ये देखो यहाँ से अंदर है। हाँ। मुझे लगा बाहर है, शीशे के बाहर। कहाँ है चूहे जैसी छिपकली? अच्छा ही भगवान, ये किस एंगल से चूहा दिख रही है तेरे को? गाइस ये देखो खुशी क्या बोल रही है, चूहे जैसी छिपकली। किस एंगल से चूहे आइए? ये तो बड़ी जबरदस्त छिपकली है, मोटी वाली। ये देख, ओह ये तो बड़ा छिपकला लग रहा है मेरे को। छिपकली नहीं है, छिपकला है। अभी बाहर कैसे जाएगा? दरवाजा खुला है क्या? चल हैं, रहन दो, मेरे से तो भागने से रहा। कान्हा अपने आप रहेगा? अरे कैसे, चल छोड़ अपने आप। बाय। उसको देखो कहाँ ना, कुछ ऐसे नहीं करती। अरे वो छोड़, कैसे मनाते हैं वो खच खच करके। तू वो है नारियल पानी वाला? खच खच। इधर आजा। हाँ बहुत दिनों बाद नारियल पानी पिया तुमने, चलो दे। अब हो गया, चल काना जो मिल गया ले ले, हो गया, चलो चल बैठ के पी लो। सो गाइस टाइम हो गया 9:30 और डिनर हो चुका है, रोज की तरह सोने की तैयारी हो रही है। तो कान्हा की तबीयत आज थोड़ी सी ख़राब थी, वो स्कूल नहीं गया, लेकिन हाँ वो अब ठीक है और कल वो स्कूल जाएगा। सो गाइज इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो एक लाइक कीजिएगा, जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो गाइज मिलते हैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।